हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक गरीब महिला थी जिनका अधूरा घर रह गया था। तो इस बीच में जब बरसात का मौसम आया तो वो किसी और के घर में शिफ्ट हो गए हैं थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ी थोड़ी हेल्प करिए और ताकि उसका घर बन जाए, वो अपने घर पर रहने लगी। तो कई लोगों ने उसमें मदद करी है और कई लोगों ने वादा भी किया था बट वादा पूरा नहीं किया। खैर, ऐसा होता रहता है। तो आज मैं उसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा कि उसके मकान का पुनः निर्माण शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने मदद करी है, किसने क्या क्या मदद करी है, किस तरह की मदद करी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने घर का काम कर लेता हूँ क्योंकि मैं फिट रहने के लिए सुबह वॉक कर लिया है। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूरी है थोड़ा सा घर का गार्डनिंग का काम कर लेता हूँ। और ये माल्टा अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है, थोड़े समय के बाद ये मैच्योर होने लगेगा। इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं मेरे घर पे माल्टा के। अगर आप माल्टा खाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आइए हमारे घर पर आइए, खूब सारे ले जाइए बिना किसी कॉस्ट के, जीरो कॉस्ट पर आप माल्टा। और ये बहुत सारी यहाँ पर लाल मिर्च हो रही है। रोज लगभग 1 किलो के आसपास लाल मिर्च हम यहाँ से उठा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अधूरा घर रह गया था, एक गरीब और विवश महिला है, तो उस घर के लिए आज कुछ मटेरियल आया है। कल से हम निर्माण कार्य भी शुरू करते हैं, कुछ तो हो भी गया है। तो उस मटेरियल को देख के आते हैं और मकान की प्रोग्रेस देख के आते हैं। और शायद अभी भी संसाधनों की कमी है। मेरे साथ एज यूजुअल हमारी डॉक्टर अम्बेडकर आयोजन समिति के अध्यक्ष मिस्टर सुरेश टमटा जी भी हैं। आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस नेक कार्य में है। आप रात दिन लगे हुए हैं किसी तरह से इमदाद मिले और जल्दी से जल्दी ये निर्माण कार्य पूरा हो। सुरेश टमटा जी ने 1000 ईंटों का योगदान दिया अपनी तरफ से और ये धीरे धीरे उनके घर तक सप्लाई हो रही है। यहाँ से काफ़ी दूर है और उनका ये छोटा सा बच्चा जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेंटली, ये भी है हमारे साथ। अपने ही बलबूते पर सब कुछ करना होता है। सिंस पहाड़ है तो कोई ऐसे रोजगार के साधन भी नहीं है ताकि कोई अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर सके, ऐसा भी नहीं है। तो घरों में काम करती हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता है, केवल उससे गुजारा हो सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका घर निर्माण हो जाए। बरसात के सीजन में इनको घर में रहने लायक नहीं रहा था, तो फिर हमने किसी और के घर में इनको शेल्टर दिलवाई है। फिलहाल ये किसी और के घर में रह रहे हैं क्योंकि रात भर उनको पानी के बर्तनों को भरना पड़ता था, क्योंकि छत टपकती थी और बर्तन भर जाते थे, उनको उतनी बार बाहर करना होता था पानी को, फिर सोना होता था, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए हम लोगों ने मिल के किसी और के घर में उनको शेल्टर दी और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से बन जाए। तो बड़ी दर्द भरी दास्तान है। ये मिसेस सरिता के हस्बैंड हैं और ये उनका बच्चा है। दोनों सेम कंडीशन में हैं दोस्तों। फिलहाल ये अपने ईंटों को तो ला ही पा रहे हैं ऊपर से। ईंटें लागे कदू? ईंट लागे हाँ, ढोल रहा है। अच्छा, और रेता? रेता भी ढोल दिया। आ गया सब रेता? रेता भी हो रहा है। सार दिया? सार दिया। अच्छा, ये हम उस बच्चे के घर पर पहुंच चुके हैं। इस साइड की दीवार तो कंप्लीट हो गई है। ये अभी पिट बनना है, पिट भी अधूरा है और वॉशरूम की दीवारें भी अधूरी हैं और ये पूरी दीवार अधूरी है अभी। यहाँ पर 2 दरवाजे लगने हैं, एक इसमें एक इसमें, और ये किचन है, किचन में भी दरवाजा लगना है। 2 रूम है इसमें ये,
लेकिन इसकी एक तरफ की दीवार अभी पूरी वैसी की वैसी है, इस तरफ की ये दीवार और ये दीवार अभी वैसी है। तो इन दीवारों को पाटने के लिए ईंटों की व्यवस्था तो हो चुकी है, प्लस इसके साथ जो भी रेते की ज़रूरत होगी वह डॉक्टर मनोज कालाकोटी दे चुके हैं। तो बाकी भी बहुत सारे लोगों ने मदद कर रखी है, छोटी बड़ी हर तरह की मदद कर रखी है। आप कोशिश करिए, आप भी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है, बेवश महिला है। तो मदद के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर वगैरह दे रहा हूँ। इनका नाम सरिता देवी है, यूनियन बैंक में इनका अकाउंट है वेरिना के अंदर। तो आप इनको मदद कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके इनको इनके घर पर पहुँचाना है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस बार मैं खुलकर कह रहा हूँ कि इनकी मदद कीजिए, क्योंकि बरसात में इनकी जो कंडीशन हो गई थी वो हमसे देखी नहीं गई। अल्टीमेटली जितनी भी कमी रहेगी वो सुरेश टमटा जी और मैं दोनों मिलके इस काम को पूरा करेंगे। तो अगर आपकी मदद मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश टमटा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग ये ब्लॉग जो बना रहे हैं एक बहुत ही निर्धन और ज़रूरतमंद परिवार के लिए। हम लोग उनके आशियाने में वापस उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए इस ब्लॉग को स्पेशली बना रहे हैं। इसमें हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि अभी तक किन किन लोगों ने इस अभियान में यहाँ आर्थिक सहयोग दिया है, मटेरियल दिया है। इसमें देखिए, छोटा सा बालक है जिसको अभी एक मल्टीपल डिसऑर्डर से ये अभी ग्रसित है, और इसके पिता भी जस्ट लाइक इन्हीं की तरह हैं। एक माँ है जो इस परिवार को एक रीढ़ की हड्डी के रूप में जो है ताकत देने का काम कर रही है, घरों में काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, अपना जो है जीवन यापन करने के लिए प्रयास कर रही है। मैं उनके जज्बे को सलाम करते हुए, मैं उनको उनके घर में, हमारे मिस्टर अनिल ह्यूमन जी मेरे साथ हैं, तो एक और एक मिलके दो भी कहते हैं तो एक और एक मिलके 11 भी कहा जाता। आज हम 11 हैं, अनिल जी और मैं मिला करके 11 हैं। और इसमें सोने में सुहागा आप लोगों ने जो इस परिवार को आर्थिक मदद की, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। PHC वेरिनाग में कार्यरत चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी जी हैं, उन्होंने 2100 रुपये मेरे पास भेजे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कालाकोटी जी हैं, PHC वेरिनाग में ही हैं, जिन्होंने एक पिकअप बजरी देने का काम किया है जो यहाँ पर जमा हो गई, अब आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। एक पिकअप बजरी उन्होंने दी है जिसका लगभग आज की तारीख में जो कीमत है वो 6000 रुपये। और इसके बाद नंबर 3 पे है हमारे नवीन आर्या जी, इनको भी हमने सूचना देते ही इन्होंने जो है 2500 रुपये अपनी तरफ से जी हैं। सुरेंद्र ग्वासकोटी जी जो सामाजिक रूप से बहुत ही एक्टिव हैं, 1000 रुपये उनकी तरफ से भी है। और मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हल्द्वानी में शिफ्ट हैं, उनके पास भी मैंने बात रखी तो 2500 रुपये उन्होंने भी कहा भाई मेरी तरफ से 2500 रुपये इस काम में लगाइए आप। और आगे हैं श्री राजेंद्र चन्याल जी, पूर्व मैनेजर SBI हैं, इन्होंने 1000 रुपये का इसमें सहयोग दिया है। और एक अज्ञात हैं, एक ऐसे भी लोग हमारे बीच में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते हैं कि भाई इन्होंने दिया करके उनका नाम लें और वो गौरवान्वित महसूस करें, तो उन्होंने अपना नाम बताए बगैर ही बोला ये 2000 रुपये मेरी तरफ। इसके बाद सोमन राम जी देवीनगर हैं, 500 रुपये इसमें सहयोग किया है। मनोज कुमार जी चौड़मन्या में हैं, 500 रुपये उन्होंने दिया। सतीश टमटा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व में अम्बेडकर जयंती आयोजन समिति के रहे हुए हैं, वो उन्होंने कहा मेरी तरफ से जो है लगभग 5000 का जो भी लगेगा, ईंट हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने 500 ईंटों का उन्होंने वादा किया। डॉक्टर नीरज कोहली हैं, उन्होंने भी 2100 रुपये अपनी तरफ से सहयोग राशि दी है जो हमारे पास आ चुकी है। सरिता सरल जी हैं, ये उन्होंने 500 रुपये अपने ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन कर दिया था। संजीव कुमार जी जिन्होंने 500 रुपये इनके सरिता के ही खाते में डाले। डॉक्टर पी राज जी हैं, उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं। और इसके बाद जो 15 और 16 नंबर पे हैं अनिल ह्यूमन जी और मैं, अनिल ह्यूमन जी अभी तक इन्होंने 28500 रुपये का मटेरियल इनको दिलाया जा चुका है इनके द्वारा। और जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ईंट से लेके ये जो ब्लॉक से लेके तमाम सीमेंट सरिये जो भी लगा है वो अनिल सर ने इसमें सहयोग किया है। और मैंने अभी तक यहाँ पर 10000 की जो ईंटें, 1000 ईंटें मैंने यहाँ पहुँचवाई हैं। पूर्व अध्यापक श्रीमान फकीराम जी हैं मेरे पड़ोसी, उनका बेटा सुनील है जो अभी तैयारियों में है, बेरोज़गार है, उसके बावजूद उसने इसका जो वो किया है, ये अभी तक की जो ये लकड़ी के फ्रेम बनवाए हैं दरवाज़ों के, इसके अलावा
ये हार्डवेयर का जो काम कराया है वेल्डिंग वेल्डिंग का, ये सुनील ने कराया। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, इस परिवार के लिए थोड़ी सी अपने दिल के अंदर थोड़ी सी अगर जगह अगर पाते हैं, तो कृपया आप इनको आर्थिक सहयोग करें। और हमने तो संकल्प ले ही रखा है, हम चाहे कैसे भी हो हम इस परिवार को इस नए घर में शिफ्ट करेंगे। और इसमें अगर आपका सहयोग हो गया तो अति उत्तम है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप मन से जो है दुआ कीजिए कि हम अपने मिशन में सफल हों। इसमें अभी बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है, और 10-20 हज़ार की बात होती तो शायद मैं या अनिल जी अकेले ही कर लेते, ये लंबा अमाउंट इसमें लगना है। हमारी जो अंदर मन में जो एक सुकून हो रहा है कि हम ये अभियान पे लगे हैं, अनिल जी लगे हुए हैं, अनिल जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू समाज सेवी हैं, इन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये बीच में ब्लॉग बनाना है ये करके, तो पहली बार तो मैं शुरू में सोच ही नहीं रहा था ये कैसे हो पाएगा क्या होगा। जब अनिल जी ने इस बारे में बात छेड़ी तो मेरे मन में जो बात थी वो उसको हवा मिल गई, उस चिंगारी को, तो आज ये परिणाम आप देख रहे हैं। इतना मटेरियल यहाँ आ चुका है अभी तक का, और भी मटेरियल आना है, और क्या कहते हैं सीमेंट आना है, सीमेंट में भी खर्चे आने हैं। तो मैं निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आशा पूर्ण भाव से भरा हुआ हूँ कि अब ये हमारी जो मुहिम है वो जल्दी से जल्दी रंग लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को देख के, इसके बाप की जो माली हालत देख करके, इसकी माँ की जो स्ट्रगल को देख करके, आप सबसे पुनः मैं आर्थिक सहयोग का आह्वान करता हूँ। कृपया आइए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।